तो बच्चों आज बेटा लेक्चर नंबर 5 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसमें रूल नंबर 1 में लिखें, यदि आरएस में कुछ नाउन टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में आते हैं तो इन्हें आरबी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड कॉमा रमेश स्टॉप कॉमा क्लोज। ठीक है बेटा, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही सेड, उसने कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हो रमेश। तो ये रमेश क्या है, ये नाउन है और टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में आए हैं। ठीक है, वोकेटिव केस में, तो इन्हें क्या करना है, आरबी का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ही टोल्ड रमेश को इधर जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, कॉमा एंटर कॉमा हटा के दैट। ठीक है, फिर यू को चेंज करेंगे, यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, वही फॉर्मूला सनवट्टे 123, यानी सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या रमेश, तो यू को चेंज करेंगे रमेश से, तो ही बाज हिज बेस्ट फ्रेंड। स्टॉप, अगला एग्जाम्पल, दे सेड कॉमा एटेड कॉमा सीता कॉमा यू गो टू स्कूल डेली स्टॉप कॉमा क्लोज। तो दे टोल्ड, सीता वोकेटिव केस में है तो इसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, दे टोल्ड सीता, फिर दैट, अब यू को चेंज करेंगे बेटा सीता से, तो सी आएगा सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो सी बेंच टू स्कूल डेली DAILY, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, DAILY। ठीक है बेटा, स्टॉप, नोट करें इसे। हाँ बेटा, रूल नंबर 2 में यदि RS में, यानी टर्म्स ऑफ एड्रेस, इसे हिंदी में कहते हैं संबोधन के रूप में माई डियर फ्रेंड, नॉटी बॉय, इडियट्स, होप ऑफ फ्यूचर आदि का प्रयोग हो तो उसे निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, तो उसे निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल है, शुरू में ही कॉमा एंटर कॉमा, नॉटी बॉय कॉमा क्लोज, सी सेड, फिर कॉमा एंटर कॉमा, यू हैव बीन फाइटिंग
fighting again, you have been fighting again. Full stop, comma close. Naughty boy, शरारती लड़के, she said, उसने कहा, you have been fighting again. तुम फिर से झगड़े हो? तो बेटा एड्रेसिंग वाला है, ठीक है, एड्रेसिंग का प्रयोग करेंगे. एड्रेसिंग, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेसिंग द बॉय एज ए नॉटी बॉय, एज ए नॉटी बॉय. सी सेड दैट, यू को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है बॉय, तो ही हैड बीन फाइटिंग अगेन. ध्यान दें, नॉटी बॉय यानी उसने संबोधित किया है शरारती कहते हुए, ठीक है. एड्रेसिंग द बॉय, लड़के को संबोधित करते हुए, एज ए नॉटी बॉय, एक शरारती लड़के के रूप में, सी सैड उसने कहा, ठीक है बेटा, दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन. अगला एग्जांपल, पीटी नेहरू, पीटी नेहरू सेड, हाँ बेटा, पीटी नेहरू सेड टू द पीपल, टू द पीपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कॉमा आई थिंक यू आर, आई थिंक यू आर. हाँ बेटा, तो पीटी नेहरू सेड टू द पीपल, पीटी नेहरू ने लोगों से कहा, फ्रेंड्स, क्या कहकर संबोधित किया है पीटी नेहरू ने, मित्रों, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं भाई और बहनों, वैसे ही पीटी नेहरू ने कहा है, मित्रों, आई थैंक यू ऑल, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, ठीक है बेटा. तो एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग किसको संबोधित किया है पीटी नेहरू ने, लोगों को, ठीक है, एड्रेसिंग द पीपल. एज एज फ्रेंड्स, ठीक है, फिर पीटी नेहरू से, पीटी नेहरू सेड दैट, आई को चेंज करेंगे पीटी नेहरू से, तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में थैंक्ड, और यू को चेंज करेंगे पीपल से तो क्या हो जाएगा, देम, ही थैंक्ड देम ऑल. फुल स्टॉप. नोट करें इसे. हाँ बेटा, रूल नंबर 3, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं चल रहे हैं अभी, तो यदि आरएस में लिखें, यदि आरएस में ओके कॉमा यू सी कॉमा बेल शब्द आए हों, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें हटा दिया जाता है,
हटा दिया जाता है क्योंकि वाक्य के अर्थ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, जैसे सी सेड बेल रमेश यू हैव डन दिस वर्क फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ध्यान दें, सी सेड उसने कहा बेल ठीक, रमेश यू हैव डन दिस वर्क। ठीक है बेटा, तो बेल तो हट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। रमेश क्या है, वोकेटिव केस में आ गए, इन्हें ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए, सी टोल्ड रमेश, बेल तो हट गया तुम्हारा, दैट यू को चेंज करेंगे रमेश से ऑब्जेक्ट से, तो ही और हैज आपका क्या होता है, हैड, हैड डन और दिस का करते हैं दैट वर्क। अगला एग्जांपल, ही सेड कॉमा इंटेड कॉमा यू सी आई डू माई वर्क इन टाइम फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ठीक है बेटा, तो सीधा सीधा ये तो यू सी तो हट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, चेंज करें तो ही सेड दैट, आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट ही से तो क्या होगा ही। ये बात कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को काय में चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही डिड और माई का हिज हिज वर्क इन टाइम फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, ये तीनों रूल ढंग से समझे, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसे नोट करें और इसे समझें और एक्सरसाइज बनाएं किताब से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।